नमस्कार दोस्तों, वेलकम टैक्स स्टडी पॉइंट। मैं सर शुक्ला। दोस्तों देखिए, हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर दोस्तों जो है 9 तारीख यानी कि आज की डेट में एक ऑफिशियल नोटिस दिख रहा होगा 9/11/2020। और ये नोटिस लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग स्टेनोग्राफर, क्योंकि दोस्तों हम आपको बिहार SSC के संबंधित जो है सभी सूचनाएँ देते हैं। तो दोस्तों ये सूचना भी दोस्तों जो है अपडेट अभी तुरंत आया है, तो आइए इसको देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या है जो है नोटिस दिया गया। तो आइए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि नोटिस में क्या दिया गया है। तो देखिए, नोटिस ओपन हो गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटरनरी कॉलेज पटना 9/11/2020 यानी कि आज का डेट यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए ये किससे संबंधित है। विज्ञापन संख्या जो है 210/116 है और पद यानी कि आंसू लिपिक यानी कि जो स्टेनोग्राफर का पद था उससे संबंधित जो है नोटिस दी गई है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यवहारिक जाँच परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। देखिए आपको पता है कि अभी 5 नवंबर को जो है स्टेनोग्राफर के व्यवहारिक जाँच के लिए जो है नोटिस आई थी और डेट दिया गया था, तो इसी के संबंध में निर्देश दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते समय लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र दिखलाएंगे एवं परीक्षा कक्ष में जो है मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे, यानी कि आपको अपना प्रवेश पत्र रखना होगा। अभ्यर्थी अपने साथ एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे कि वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जो है मूल रूप में आपको लाना होगा। व्यवहारिक जाँच परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसर में परीक्षा प्रारंभ होने से 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा, अर्थात प्रथम पाली के अभ्यर्थी 8:30 बजे पूर्वान्न तक तथा द्वितीय पाली के अभ्यर्थी 12:30 बजे अपराह्न तक जो है अपना पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व यानी कि प्रथम पाली में 9:50 बजे तक और द्वितीय पाली में 1:50 के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा है, अभ्यर्थी केंद्राधीक्षक या वीक्षक के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल आदि परिसर में नहीं लाएंगे। अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ नीला या काला बॉल पॉइंट पेन जो है अपने साथ रखेंगे। अभ्यर्थी अपने नोटबुक या प्रिंटेड सीट पर अनावश्यक चिन्ह न छोड़ें, अन्यथा उनका अभ्यर्थित्व जो है रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी हिंदी तथा अंग्रेजी साक्षात्कार हेतु निर्धारित स्थान पर परीक्षा के दौरान वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे। व्यावहारिक परीक्षा यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है आयोग के द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर पर जो है कराई जाएगी, यानी कि आपका जो टाइपिंग है वो कंप्यूटर पर कराई जाएगी जो कि आपको दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट यानी कि व्यावहारिकता परीक्षा के लिए कुर्तिदेव 10 जो है फॉन्ट जो आपको प्रयोग करना होगा, यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वह कुर्तिदेव 10 फॉन्ट पर जो है करवाया जाएगा। श्रुति लेखन एवं आशु लेखन के लिए नोटपैड आयोग द्वारा दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी हमेशा मास्क एवं फेस शील्ड पहने रहेंगे, अपना हैंड सैनिटाइजर साथ में लाएंगे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सचिव जो है बिहार कर्मचारी पटना इनके हस्ताक्षर भी जो है दिए हुए हैं। तो देखिए वो था नोटिस आज का, और इससे पहले 5 तारीख को देखिए नोटिस आई थी 5/11/2020 को कि जो आंसू लिपिक का पद है इसके लिए 11 नवंबर को से लेकर 13 नवंबर तक जो है आपका व्यवहारिक परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए 1605 अभ्यर्थी जो है शॉर्टलिस्ट किए गए थे। और दोस्तों जो है आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, सक्सेस पॉइंट JMD टावर नियर फोर्ड हॉस्पिटल खेमानी चक बाईपास पटना जो है यहाँ पर जो है आपका आयोजन किया जाएगा। ये सभी निर्देश जो है आपने देखे होंगे कि हिंदी श्रुति लेखन के लिए आपको जो है 80 शब्द प्रति मिनट में कुल यानी कि 320 शब्द लिखने होंगे। ये सभी जो है हिंदी टंकन में कुल जो है 30 शब्द प्रति मिनट में 300 शब्द जो है आपको लिखने होंगे। इसके लिए 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है ये आप सब पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है पूरा यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है। इससे पहले वीडियो में भी हमने जो है आपको ये पूरा नोटिस दोस्तों दे दिया था। तो देखिए अभी ये ऑफिशियल नोटिस आया था इसलिए आपको देना आवश्यक था। वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आने के बाद जो है आपको तुरंत जो है प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।